नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 की। जिन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग इस समय होनी है उनकी प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं पिछली जो भर्ती हुई थी टीजीटी पीजीटी 2011 की और 2013 की, उसमें प्रक्रिया थोड़ा सा अलग थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ है। इस वजह से अभ्यर्थियों को इसमें राहत दी गई है। तो कैसे अब कॉलेजों में नियुक्तियां होंगी, क्या प्रोसेस होगा, साथ में उन अभ्यर्थियों के बारे में भी बात करेंगे जो लोग वेटिंग लिस्ट में है, उनका कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है, और उन अभ्यर्थियों के बारे में भी बात करेंगे जिनका कॉलेज आवंटन तो हो गया है, लेकिन कॉलेज में जाने पर पता ये चलता है मैनेजर के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा ये बताया जाता है कि यहाँ पर कोई पद ही नहीं है, ट्रांसफर से पद भर लिया गया है या किसी अन्य कारण से पद उपलब्ध नहीं है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आप लोग कमेंट में अक्सर पूछ, उनको सॉल्व करने की हम इस वीडियो में पूरी कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2016 की ज्वाइनिंग प्रक्रिया, उसमें क्या बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लेटर जारी हुआ है उप सचिव की तरफ से, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से। जितने DIOs हैं उनके यहाँ पर नाम है, उनको लेटर जारी हुआ है। कब जारी हुआ है? 16 जुलाई 2020 को लेटर जारी हुआ है, और ये लेटर है संबंधित TGT कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, यानी फिजिकल एजुकेशन सॉरी कॉमर्स से संबंधित ये लेटर है, और यहाँ पर ये बताया गया है किस तरीके से चयन प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों, ये बात आपको बता दूं कि जो चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन ज्वाइनिंग प्रक्रिया होती है जो एक विषय में होती है, वही सब विषय पर भी लागू होगी, ये बात आप लोग समझ लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये दिया गया है कि यहाँ से आप लोग पढ़िए, लिखा है महोदय इंटरमीडिएट के विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षित स्नातक वाणिज्यिक वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के चयनित अभ्यर्थियों का संस्था आवंटन ईमेल से आपके पास अग्रसारित करने का मुझे निर्देश दिया गया है। इस संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि नियमावली में दिए गए प्रावधानों का अनुपालन करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं। पैनल का सत्यापन चयन बोर्ड की वेबसाइट से आप लोग कर सकते हैं, इसके लिए पृथक से पत्राचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब मेन बात दोस्तों यहीं पर लिखी हुई है, आपको बता दें अभी तक जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस होता था उसमें क्या होता था कि चयन बोर्ड बाई पोस्ट या ईमेल के जरिए लेटर भेजता था, यानी एक पूरा लेटर भेजता था, पैनल भेजता था। उस पैनल को जब जिले में पहुंच जाता था पैनल, तो वहां के जो जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं यानी DIOs होते हैं, वो उसको बाई पोस्ट फिर से चयन बोर्ड को एक पत्र व्यवहार करते थे और उस पैनल का वेरिफिकेशन करवाते थे कि हमारे पास ये पैनल प्राप्त हुआ है, इस विषय का इसमें इतने छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, तो ये पैनल सत्य है या नहीं सत्य है। DIOs के द्वारा उस पैनल का बाई पोस्ट लेटर भेज करके सत्यापन करवाया जाता था। लेकिन इस बार दोस्तों चेंजमेंट ये हुआ है कि यहाँ पर साफ इन्होंने लिख दिया है जो उप सचिव हैं कि आपको पत्राचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ईमेल से सभी DIOs को लेटर भेज दिए गए, पैनल भेज दिए गए। अगर आप लोगों को सत्यापन करना है तो वेबसाइट से डायरेक्टली आप लोग सत्यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस बार एक अच्छी बात है कि ऑनलाइन ही सत्यापन हो जाएगा, अलग से लेटर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर DIOs अपने स्तर से सत्यापन करवाते हैं तो लेटर जाएगा चयन बोर्ड, वहाँ से लेटर आएगा वापस DIOs ऑफिस। इन सब के बीच लगभग 15 दिन का समय बर्बाद हो जाता था अभ्यर्थियों का, तो ये 15 दिन अभ्यर्थियों को के बच जाएंगे, ये एक बड़ा फायदा है अभ्यर्थियों का। ये फिलहाल जो लेटर है वो तो है कॉमर्स विषय के लिए, लेकिन यही सभी विषय के पर लागू होगा। तो सभी अभ्यर्थियों का फिजिकली जो वेरिफिकेशन होता था वो अब DIOs नहीं करवाएगा। ठीक है, वो वेबसाइट से डायरेक्ट सत्यापन कर लेगा। अब बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग किस तरीके से होती है, तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है कि जो जैसे ही जिलों में पैनल पहुंच जाता है उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। आप लोग संबंधित जिलों में जाएं, अपने अपने जिलों में, वहां से DIOs को एक प्रार्थना पत्र दें कि सर सेवा में
डीआईएस महोदय, जिले का नाम लिखें। सेवा में सभी ने निवेदन है कि हमारा चयन कौशाम्बी जिले, कानपुर जिले, जो भी जिला हो आपका, यहाँ पर इस स्कूल में इस विषय के पद पर हुआ है। अतः हमें ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के लिए जहाँ से पैनल या ज्वाइनिंग लेटर जारी करने की कृपा करें। इस तरीके से एक लेटर लिखा जाता है, नॉर्मल अप्लीकेशन होता है, सभी लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों ने किया, कहा कि सर इसके लिए अप्लीकेशन का कोई फॉर्मेट बता दीजिए, तो आपको बता दें नॉर्मल एक प्रार्थना पत्र होता है, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं, आप अपने शब्दों में इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिलों से आपके जैसे अप्लीकेशन देंगे तो वहाँ से एक लेटर बन करके इशू होगा, जो कि एक लेटर जाता है आपके स्कूल के लिए प्रबंधक के नाम से। ठीक है, एक लेटर आपको दे दिया जाता है और एक प्रिंसिपल के नाम से जाते हैं। तीन लेटर इशू होते हैं वहाँ से और एक ऑफिस में रख लिया जाता है। ठीक है, और उसको डाक विभाग में भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि डीआईएस से जो भी लेटर इशू होते हैं उनके लिए पूरा रिकॉर्ड होता है। आपको ज्वाइनिंग दी गई तो बाद में अगर आप कोई क्लेम करना चाहे तो ऑलरेडी डाक रजिस्टर में चढ़ा हुआ होता है। तो लेटर आप चाहे बाई पोस्ट भेजा जाए आपके घर, या फिर आपको वहीं पर डायरेक्ट हैंड टू हैंड दे दिया जाए, वो डाक रजिस्टर में यानी पोस्टल जो डिपार्टमेंट होता है उनका, डीआईएस ऑफिस का खुद का होता है, उसमें चढ़ करके ही मिलेगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर बाई पोस्ट लेने में सही है कि हैंड टू हैंड लेने में सही है, तो किसी से भी ले लें आप लोग, वो दोनों पूरी तरीके से वैलिड होता है, वो डाक रजिस्टर में चढ़ने के बाद ही आप लोगों को मिलता है। ठीक है, जैसे डीआईएस से आप लोगों को लेटर मिल जाता है, आप अपने स्कूल आइए, वहाँ पर प्रिंसिपल से बात करिए, वो आगे की प्रोसेस बताएंगे क्या करना है। तो एक अप्लीकेशन आपको प्रिंसिपल ऑफिस में देना होता है, वहीं पर लिख करके कि हमारा चयन आपके कॉलेज में हुआ है, हमें ज्वाइन कराने की कृपा करें, इस तरीके से। इसके बाद आपके शैक्षिक दस्तावेजों की जांच होती है। आपको बता दें कि शैक्षिक दस्तावेजों की जो जांच होती है वो डीआईएस में भी होती है। आप अपने ओरिजिनल प्रमाण पत्र लेकर के जाइएगा, डीआईएस में भी जाँच होती है। इसके अलावा जब कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर प्रिंसिपल या जो मैनेजर है वो भी जांच करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि जब आप लोग ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी लगेगा। तो उसको भी जैसे डीआईएस से ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है या पैनल आता है तो आप लोग उसको सीएमओ से बनवा सकते हैं, ये कॉलेज में ही आपका जमा होता है। ठीक है, तो ये भी लगेगा। इसके अलावा कुछ कॉलेज अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र की भी मांग करते हैं, तो अपने कॉलेज के हिसाब से जो जो बताएं वो सब आप कॉलेज में जमा कर दीजिएगा और आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कॉलेजों में ज्वाइनिंग ना मिलने पर क्या करें। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने अपने कॉलेज से पता किया तो उनका कहना है कि हमने यहाँ पर प्रमोशन से नियुक्ति कर दी है, कोई भी जगह खाली नहीं है, या फिर आपके विषय का या आपके कैटेगरी का कोई भी पद हमारे यहाँ खाली नहीं है। ऐसे छात्र बहुत ही परेशान हैं, ये आज से नहीं कई सालों से चला रहा है। अभ्यर्थी बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिनको दिक्कतें आती हैं इस तरीके की, तो उनके लिए कोई और सॉल्यूशन तो नहीं है। सबसे पहले अपना डीआईएस ऑफिस में कंप्लेंट करें आप कि हमारे कॉलेज वाले ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताएंगे। वहाँ भी अगर आपकी कोई शिकायत नहीं होती है तो फिर सीधा चयन बोर्ड जाएं, चयन बोर्ड में एक लिखित रूप से अपना लेटर दें। ठीक है, अपना प्रार्थना पत्र दें कि सर हमारा चयन इस जिले में के इस स्कूल में इस विषय पर इस कैटेगरी पर हुआ है और कॉलेज वाले हमें ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं। चाहे तो आप लोग चयन बोर्ड को बाई पोस्ट लेटर भेज दीजिए या फिर मैनुअली जा करके आप लोग वहाँ पर ऑफिस में जमा कर दीजिए, तो चयन बोर्ड उस पर कार्रवाई करेगा। अक्सर देखा गया है कि चयन बोर्ड उसमें बाद में कॉलेज आवंटित करता है, दूसरा कॉलेज आपको आवंटित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, हो सकता है साल दो साल तक लग जाए, लेकिन यहाँ से आप लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, और अगर फिर भी आप लोगों को न्याय नहीं मिलता तो फिर आखिरी रास्ता बचता है कोर्ट का। कोर्ट में आप एक रिट डालें कि हमारा चयन इस कॉलेज में इस जिले में इस विषय पर हुआ था और वहाँ पर मैनेजर हमें ज्वाइन नहीं करवा रहा है, तो कोर्ट से भी आप लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। प्रक्रिया में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको कॉलेज आवंटन हुआ है, कॉलेज वाले ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं, तो आपको नियुक्ति जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे और कोई दूसरा सलूशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं वेटिंग वालों को कब तक मिलेगी नियुक्ति। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो वेटिंग लिस्ट में अवशेष पैनल में जिसका नाम है, तो उनके लिए फिलहाल अभी कुछ नहीं हो सकता है। जितने लोगों को कॉलेज आवंटन हुआ है वो लोग जब कॉलेज ज्वाइन करेंगे,
ठीक है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका चयन किसी अन्य पदों पर हो जाता है या किसी कारण से वो अपने पद पर ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फिर बाद में चयन बोर्ड उसकी पूरी लिस्ट मांगता है कि किन किन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। तो जितने पद बाद में बचते हैं उन पदों पर वेटिंग लिस्ट वालों को समायोजित किया जाएगा, उन पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। इस प्रक्रिया में टाइम भी लग सकता है, कोई टाइम की ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 6 महीने में हो जाएगा कि 1 साल में हो जाएगा, साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गई आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।